क्योंकि उसमें बताया गया है कि हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है उनके उनकी जो 21 साल तक का एज बार था जो 21 संविधान है उसके मुताबिक 18 धर्म का जेंडर का रेस का कलर का तो वोट कास्ट कर सकता है। इसी तरीके से हमारे काफी एलिजिबिलिटी बनती है वोट कास्ट करने के लिए। सबसे पहले आप वोट का ये है कि आप अबो 18 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। नंबर थर्ड उसके बाद आप नेशनल लेवल के जो चुनाव हो आप अपना वोट इलेक्शन है वोटर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अपने मत का। मैं आपको कुछ केस लाज बताना चाहता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक उस पे ये बटन रखा जाए उस पे ऑप्शन रखा जाए वोटिंग राइट पाने के लिए। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हम एक एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में के क्या फायदे हैं ताकि वो अपने आप इसमें प्रस्थान करना चाहिए। हमारे भी अवेयरनेस कैंप काफी होते हैं, हम भी इसमें लोगों को जरूर इसमें ये बताते हैं। इनरोलमेंट करना है न्यू वोटर्स का और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जो ड्यूटी है वोट को रिलेटेड उसको परफॉर्म करें। वोट कास्ट करना ना हमारी ड्यूटी बल्कि हमारा राइट भी है। उसकी आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 में प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है। आज इस भद्रवाह में भी नेशनल वोटर्स डे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इनके अहाता में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल 2011 से हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे प्राइड और एंथाइज्म के साथ मनाया जाता है और आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी फाउंडेशन डे है। आज के दिन का इस अवेयरनेस कैंप का मकसद यंग वोटर्स को इनकरेज करना है, उनको मैक्सिमाइज इनरोलमेंट करना है और फैसिलिटेट करना है ताकि जो नए युवा हैं वो इस वोटिंग प्रोसेस में जो डेमोक्रेसी का पर्व जिसको कहते हैं इसमें वो भाग लें। आज का जो ये नेशनल वोटर्स डे आज मनाया गया यहाँ डलसा की तरफ से सोशल वेलफेयर के हाथे में मनाया गया तो ये आज संदेश दिया गया लोगों को कि वोटर्स डे कितना इम्पॉर्टेंट है, वोट डालना कितना इम्पॉर्टेंट है, वोट डालने से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता है, हम मजबूत रहते हैं, इसलिए आज का ये प्रोग्राम मनाया गया यहाँ पर।